हेलो एवरीवन वेलकम टू यो अकेडमी आज हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे 26 अप्रैल का है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ठीक है तो क्वेश्चन क्या कहता है द इंटीग्रल है बाउंड्री ऑफ स्मॉट जेड इज इक्वल्स टू टू पाई साइंस जेड है अपॉन में जेड माइनस पाई का होल स्केर इन में मे डी जेड वे कविज टेकन एंटी क्लॉक वाइज इक्वल्स टू देखिए ये भी बहुत ईजी है देखो बाउंड्री है हमारे पास टू पाई ठीक है साइंस एड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में डी जेड इट मीन्स हमारे पास टू पाई है ये यहाँ पे लगा लीजिए ठीक है रेडियस हो गई इसकी तो इस बाउंड्री के यहाँ पे आएगा हमारे पास ठीक है टू पाई का अच्छा अब देखिए यहाँ से अब देखो इसका सॉरी इसका सेंटर तो ज़ीरो है ना हाँ भाई ठीक है ये हमारे पास टू पाई अगर इधर है तो इस टाइप से बनेगा ठीक है तो इसमें हमारे पास देखो जेड माइनस पाई है ना तो पाई इसमें है यहाँ पे बाउंड्री के अंदर है ठीक है तो ये वाला यहाँ से बनेगा ठीक है सर्कल बन गया अच्छा अब हमारे पास क्या है अपना वही रेजिडियो निकालते रेजिडियो की हेल्प से z इज इक्वल्स टू टू पाई पर यहाँ से क्या निकलेगा लिमिट z टेंस टू पाई ठीक है स्क्वायर है तो d अपॉन में dz हो जाएगा z माइनस पाई का होल स्क्वायर इन में साइन z डिवाइडेड बाय z माइनस पाई का होल स्क्वायर ये रहेगा ये से कैंसल हो जाएगा तो लिमिट z टेंस टू पाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा साइन z का कॉस z, ठीक है तो इसकी लिमिट जब हम पुट करेंगे क्या आएगा कॉस पाई कॉस पाई हमारे पास वैल्यू क्या होती है माइनस वन रेजिड्यू में क्या होता है सम ऑफ इनका लिमिट्स का जो भी हमारे पास फंक्शंस की निकलती है तो टू पाई आयोटा इंटू माइनस वन मतलब माइनस टू पाई आयोटा हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी तो ऑप्शन चेक करते हैं देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट माइनस टू पाई आई है हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट